नमस्कार दोस्तों, और प्रणाम्स टू माय पूज्य गुरु जी महातर बाबा जी। एंड यस, कमिंग टू आर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी जो यूज़फुल है स्टेट टेट और सी टेट के लिए, और दूसरे जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का या साइकोलॉजी का, तो उसमें ये सब बहुत यूज़फुल होंगे। हमारे पिछले वाली वीडियो में हम वी डिस्कस्ड अबाउट प्राइमरी सोशलाइजेशन और ये सब। अभी इस वीडियो में हम ये जो सारे हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, नेगेटिव सोशलाइजेशन, ये क्या है आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो वही है। एंड गाइस, ये जो बुक है मेरा, आई हैव ऑर्डर्ड इट रिसेंटली, तो इस बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। ये पूरा नोट्स जो कुछ आप अगर आपको प्रिपेयर करना है तो ये सब उसमें मिलेगा। अभी तो सॉफ्ट कॉपी मिल रहा है, हार्ड कॉपी भी है, ये लॉकडाउन के बाद वो भी मिल जाएगा। ओके, ये कोरोना इफेक्ट की वजह से। तो हाँ, शुरू करते हैं ऑपरेशन सोशलाइजेशन, यानी उत्पीड़न सामाजिकरण। तो ये उत्पीड़न सामाजिकरण क्या होती है? इट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली एज ए इन्फॉर्म परसेप्शंस ऑफ आइडेंटिटी, पावर एंड अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू जेंडर, रेशलाइज्ड ग्रुप मेंबर एंड सेक्शुअलिटी। यानी क्या है ये? यानी वो होती है जहाँ लोग जो होते हैं सोसाइटी में, लोग जो होते हैं अब पॉलिटिकल पावर की स्ट्रक्चर की, कौन यू नो कौन पावर में है कौन नहीं है, उनका आइडेंटिटी वाली बात और उनका अपॉर्चुनिटीज़ जो कुछ हो, इनके बारे में जो कुछ होती है रेशलाइज्ड होती है। यानी जैसे मैं बोल सकती हूँ कि रेस के हिसाब से उनको प्रमोशंस दिए जाते हैं, नहीं तो उनको पावर में लिया जाता है। ये इन सब के बारे में जो जब जो कुछ होता है, तो ग्रुप मेंबरशिप ऐसी वाली बात, तब हम कह सकते हैं कि वहाँ ऑपरेशन सोशलाइजेशन हो रही है। ओके, और अभी द वेरी इजी थिंग आपको बहुत आसानी में समझ में आ जाएगा, ये जो बात है लैंग्वेज सोशलाइजेशन, यानी भाषा सामाजिकरण। अगर आप देख रहे हो, रिसर्च देखोगे बहुत सारे सोसाइटी में, लैंग्वेज की डेवलपमेंट बहुत कुछ हो रही है ना। सोशलाइजेशन वाली बात, स्पेशली अगर हम लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, तो जैसे मैं बोल रही थी कल के क्लास में भी, इनकल्चरेशन यानी ग्रेजुअल एक्विजिशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉर्म्स ऑफ कल्चर ऑफ अ ग्रुप बाय अ पर्सन और अदर कल्चर। तो स्पेशली लैंग्वेज में इनकल्चरेशन बहुत कुछ हो रही है। ओके, एंड सोशलाइजेशन डज नॉट अकर अपार्ट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, बट द चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज एंड कल्चर टुगेदर इन वॉट अमाउंट्स टू एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। तो बात क्या आपको समझ में आ रहा है? बात ये है कि बच्चे जब कुछ एक्वायर करते हैं, सोशलाइजेशन होती है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ये सोशलाइजेशन होगी, सिर्फ वो सोशलाइजेशन होगी, कल्चर का ही होगा, तो कल्चर के साथ साथ लैंग्वेज का भी हो जाता है। तो वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर देखो, कल्चर सोशलाइजेशन जब होता है तो एक दूसरे कल्चर का हम ना थोड़ा कुछ सीखते हैं, तो साथ ही साथ लैंग्वेज वाली बात भी ऐसा ही होता है कि हम एक्वायर कर लेते हैं, वो लैंग्वेज एक्विजिशन भी होती है। ओके, दैट इज़ द थिंग, उसका अर्थ वही है। तो नेक्स्ट इज प्लान्ड सोशलाइजेशन। ये प्लान्ड सोशलाइजेशन क्या होती है? ये जो सोशलाइजेशन होती है जब लोग टेक एक्शंस डिजाइन टू टीच और ट्रेन अदर्स। स्पेशली अगर आप प्लान्ड सोशलाइजेशन देखोगे, तो ये जो कंपनीज जो होते हैं, फैक्ट्रीज जो होते हैं, वहाँ का जो वहाँ सी ऑन अ बिगर रूट में बोल रही हूँ, बच्चों के बारे में नहीं है, इन जनरल बोल रही हूँ। प्लान सोशलाइजेशन वो होती है जहाँ आप स्टैंडर्ड ट्रेनिंग्स दिया जाते हैं कि आपको वैसे आउटपुट क्या चाहिए, आउटपुट कैसा होना चाहिए वो आदमी या बच्चा, तो उसके हिसाब से आप कौन सा ट्रेनिंग देते हो, प्लान करके उसको सिखाते हो। तो बच्चों का भी हम ऐसे ही करते हैं कि हाँ, इस उम्र में हम ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे करके। तो जब ऐसा वेरी वेल प्लान करके अगर हम कर रहे हैं, तो इसको इसकी एक्सपोजर होना है, उसको वो आइडिया आना है, इसको जब से छोटा है उसको
मैं शटल सिखाऊंगी या बैडमिंटन सिखा, ऐसा जो भी है हम बोल सकते हैं कि इट इज व्हेन यू आर प्लानिंग थिंग्स, तो वो होगा आपका प्लान्ड सोशलाइजेशन. और नेचुरल सोशलाइजेशन क्या होती है, और जो प्लानिंग करते हो वो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हो, देन इट बिकम्स योर प्लान्ड सोशलाइजेशन. और जब हम नेचुरल सोशलाइजेशन बोलते हैं, प्राकृतिक सामाजिकरण, यानी समथिंग विच इज वेरी नेचुरल. ये अकर्स इन्फेंट्स और हमारे यंगस्टर्स में, एडोलसेंट्स में बहुत कुछ हम देख सकते हैं. वो कैसे करते हैं, नेचुरली दे डिस्कवर कि ये हुआ वो हुआ. बर्ड्स को देखते हैं, यू नो दे अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस. इन नेचुरली उनको समझ में सोशलाइजेशन जो कुछ होता है, देखने से ही उनको समझ में आता है. तो प्लान सोशलाइजेशन मोस्टली अ ह्यूमन फिनोमिना होती है. ऑल थ्रू हिस्ट्री पीपल हैव बीन मेकिंग प्लान्स फॉर टीचिंग और ट्रेनिंग अदर्स. जनरली प्लान सोशलाइजेशन होती है हर जगह, लेकिन नेचुरल वो होती है जो बच्चा बाहर आता है खेलने के लिए, तो वहाँ मट्टी देखता है, कुछ और देखता है, वहाँ अर्थवर्म को पहली बार. तो नेचुरली सोशलाइजेशन में जब मूवमेंट होती है तो वो जो कुछ सीखता है, दैट ऑल कम्स अंडर नेचुरल सोशलाइजेशन. लेकिन बोथ नेचुरल एंड प्लान सोशलाइजेशन कैन हैव अ गुड एंड बैड क्वालिटीज. यानी इसकी वजह से, और नेचुरल वो भी हो सकते हैं जब बाहर जाते हो कुछ और देखते हो, वैसे भी सीखते हो. अगर हम प्लान्ड वाली से या नेचुरल से भी जो एक्सपोजर होती है, यू नो बेस्ट फीचर्स हैं वो इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो वो लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल होगा. देखिए हमारे लाइफ में बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज होते हैं, बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं. उस एक्सपीरियंसेस को हम कैसे लेते हैं, असल में वो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू आर लाइफ. आपके पास भी 24 आवर्स है, मेरे पास भी 24 आवर्स है, तो हम इस 24 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करेंगे. हाँ ऑप्शन, सब चॉइसेस होते हैं. कुछ लोग मूवीज देखेंगे, कुछ लोग पढ़ाई करेंगे, कुछ लोग सो जाते हैं. तो इफ यू आर गोइंग आउट एंड सोशलाइजिंग, आई एम नॉट सोशलाइजेशन के अलावा मैं बात कर रही हूँ वहाँ पे. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको एक एनवायरनमेंट होती है, उस एनवायरनमेंट से क्या लेना है क्या नहीं लेना है, दैट्स योर चॉइस, है ना. उसमें बैड और गुड बोथ होते हैं, जैसे ही सोशलाइजेशन में भी, नेचुरल एंड प्लान्ड में. जो अच्छा है वो लेंगे तो अभी इम्प्रूव. तो अभी देखेंगे नेगेटिव सोशलाइजेशन एंड पॉजिटिव सोशलाइजेशन. जब ये पॉजिटिव बोलते हैं सकारात्मक सामाजिकरण, और नेगेटिव ओली नकारात्मक सामाजिकरण, इन दोनों के बारे में भी देखेंगे अभी. ये पॉजिटिव सोशलाइजेशन वो होती है जहाँ लर्निंग अच्छा रहता है, प्लेजरेबल होती है, एक्साइटिंग होती है, मुझे पसंद है वो सीखने में, मुझे एंजॉय करूँगी, और एक वो केयर होती है, अपॉर्चुनिटी होती है. ये जब ऐसा एनवायरनमेंट जो, देन वी कैन से वहाँ पॉजिटिव सोशलाइजेशन इज द थिंग दैट इज हैपनिंग देयर. हमारा बिहेवियर जो कुछ होता है वो इम्प्रूव होता है पहले से, बिकॉज ऑफ यू नो किसी का इंकरेजमेंट हो, बिकॉज ऑफ अ रिवॉर्ड, आप अच्छी तरह पढ़ लेते हो, तो ये सब आपके पॉजिटिव सोशलाइजेशन में आता है. और नेगेटिव हम जब बोल रहे हैं, इट अकर्स व्हेन अदर्स यूज पनिशमेंट, हार्श क्रिटिसिज्म और एंगर टू टीचर्स अ लेसन. तब आपको उनके ऊपर डिसलाइक आ जाती है ना. आप उनको पसंद करते हो जो आपको हर वक्त कमेंट करते हो, तो कुछ का एक ना एक दिन आपको जितना भी प्यार हो आप उनको ना पसंद करोगे, और उनके ऊपर एक नेगेटिव फीलिंग्स बिल्ड हो जाते हैं. तो नेगेटिव सोशलाइजेशन अकर्स व्हेन अदर्स यूज पनिशमेंट या हार्श क्रिटिसिज्म. तो ये बात होती है वहाँ पे. सो आई कैन से दैट सोशलाइजेशन हो रही है, दूसरों से मिलजुलने में होता है, लेकिन आप उनके ऊपर एक अलग सा नेगेटिव फीलिंग बढ़ बढ़ बढ़ेगा अगर वो आपके साथ अच्छी तरह व्यवहार ना करें. तो ये हाई रेशियो ऑफ नेगेटिव टू पॉजिटिव सोशलाइजेशन कैन मेक अ पर्सन अनहैप्पी, लीविंग डिफीटेड और पेसिमिस्टिक फीलिंग्स अबाउट लाइफ. यानी अगर हाई रेशियो वाली बात है, ये नेगेटिव सोशलाइजेशन वाली बात, तो जो लोग हों या बच्चों हों उनमें उनको कॉन्फिडेंस लेवल्स कम हो जाते हैं, दे फील डिफीटेड कि हम लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर पा रहे. अगर नेगेटिव सोशलाइजेशन की इम्पैक्ट है उन पे तो ये सब होता है. एंड नेक्स्ट इज ओवर सोशलाइजेशन. लास्ट बट आई थिंक दिस इज द सेकेंड लास्ट वन, वी आर ऑलमोस्ट डन.
ओवर सोश नेगेटिव हो गया, हाँ ओवर सोशलाइजेशन, ये क्या है, ए फोकस ऑन इनेट बिहेवियर एट द एक्सपेंस ऑफ लर्निंग इज टर्म्ड अंडर सोशलाइजेशन बाय एट्रीब्यूटिंग बिहेवियर टू लर्निंग व्हेन इट इज अ रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन इज टर्म्ड एज ओवर सोशल। यानी जो इम्पैक्ट होती है ऑफ सोसाइटी एक दूसरे के ऊपर, इन्फ्लुएंस्ड होती है, वाला हमारा जो बिहेवियर जो होती है, बिहेवियर टू लर्निंग, इट इज़ लाइक यू आर एवॉल्विंग, इट इज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड आप सीखते हो, देन आई कैन से इट इज सोशलाइजेशन। एंड कैसे बोलूँ, और वो जो सोशलाइजेशन के नाम पे ऊपर जब होता है, देन आई कैन से इट इज ओवर सोशलाइजेशन। ओके, देन लास्ट कम्स द पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ये जो होती है राजनीतिक सामाजिकरण। ये सामाजिकरण जो कुछ है, इट ऑल्सो इनकम्पासेस द वे इन विच पीपल एक्वायर वैल्यूज एंड ओपिनियंस दैट शेप देयर पॉलिटिकल स्टैंड एंड आइडियोलॉजी। यानी अभी आप देखो, बीजेपी पार्टी होती है, वो पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये पार्टी, जो पार्टी, तो ये जो पार्टी होते हैं, हम उनका वैल्यूज, उनका ओपिनियंस वो इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, तो देन आई कैन से दैट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज हैपनिंग देयर। इट इज ये एक स्टडी होती है ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस बाय विच पीपल ऑफ ऑल एजेस एडोलसेंस एक्वायर पॉलिटिकल कॉग्निशन एटीट्यूड्स एंड। यानी पॉलिटिकल का वो जो कुछ इफेक्ट है, उसका इम्पैक्ट, उसका उनके थॉट प्रोसेस, उनके एटीट्यूड, उनके बिहेव, सब कुछ जब सीखते हैं, देन आई कैन से पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज हैपनिंग हियर। ओके, तो बहुत सारे स्पेशली द यूथ जो होते हैं, बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज के, पेपर में जो कुछ पढ़ते हैं या न्यूज़ में कुछ देखते हैं, वो पॉलिटिकल कल्चर जो कुछ होता है, तो उसकी इम्पैक्ट इन पे ज़्यादा हो रहा है, देन यू कैन सी दैट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस। एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम की फैक्टर्स यानी डिटरमिनेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन डिस्कस करेंगे। ये होने के बाद द सोशलाइजेशन कॉन्सेप्ट खत्म होता है, देन वी कैन मूव ऑन टू ऑल द थियोरीज। बाद में मैं आई गो विद द अदर कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन, ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोग वेट कर रहे हैं 88 साइकोलॉजिस्ट के बारे में, तो आई विल स्टार्ट ऑफ विद दैट। ओके, बाय, टेक केयर।